तो गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम लोग नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं एंड एज वेल एज वी विल सी द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। नेचर और फीचर में फर्क ये है, पहले तो हम लोग भारतीय संविधान की प्रकृति को समझेंगे, उसके बाद फीचर्स, साइलेंट फीचर्स की जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो उसके हम फीचर्स को देखेंगे, उसकी खासियत को देखेंगे, खासियत क्या है। अभी तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भैया ये हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है या नहीं है, या नॉट ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जो बात करने जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम आवर कंट्रीज परस्पेक्टिव, बट एक जनरल वे में हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात कर रहे हैं कि अगर संविधान, हम कब कहते हैं कि एक संविधान फेडरल है, या हम कब कहते हैं कि ये संविधान जो है यूनिटरी है। संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, जो हमारे देश का यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपको बखूबी पता है। हमारे देश का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, वो फेडरल है। हम आज इसी क्लास में समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ ये तय करेंगे लास्ट में कि हमारा जो संविधान है वो फेडरल है या यूनिटरी नेचर का है, ये हम फाइनल डिसाइड करेंगे आज। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा संविधान फेडरल है, देन वी विल टॉक अबाउट द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, साइलेंट फीचर्स को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान की क्या खासियत है, क्या फीचर्स है। तो कुछ इस तरीके से क्लास चलेगी आपके सामने, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम फेडरल कहते हैं तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, और यूनिटरी जब हम संविधान कहते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूनिटरी का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले इसमें कोई बताने और समझने की बात है नहीं, आप सभी को पता होगा कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसे कहते हैं कि पावर्स जो है सेंट्रलाइज होते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स होते हैं और प्रोविंसेस जो होते हैं, आज के जबान में अगर हम बात करें तो स्टेट्स हम कह सकते हैं, स्टेट जो होते हैं वो सेंटर के सबॉर्डिनेट होते हैं, है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके नीचे प्रोविंसेस काम कर रहे होते हैं, या आप कह लो कि स्टेट राज्य सरकारें काम कर रही होती हैं। अगर ये नेचर है संविधान का, किसी देश के संविधान का, तो उस देश के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को आप कह सकते हैं कि वहां का संविधान यूनिटरी फीचर रखता है, यूनिटरी के नेचर का है, सेंट्रलाइज्ड पावर है। जब स्टेट या प्रोविंसेस जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट ना होके बल्कि वो इंडिपेंडेंट वे में काम करें, यानी कि स्टेट को कुछ इख्तियार दे दिया गया, पावर्स दे दिए गए कि भैया ये सब्जेक्ट्स हैं, इस पे आप इंडिपेंडेंटली यू विल हैव द पावर्स टू लेजिस्लेट, टू एग्जीक्यूट द लॉ, टू इम्प्लीमेंट द लॉ, है ना। और सेंटर को बोल दिया गया भैया ये पावर्स आपके हैं, आप इन इन सब्जेक्ट्स पे, आप इन इन विषय पे कानून बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तब हम कहते हैं उस देश, उस मुल्क का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं फेडरल नेचर का है। गेटिंग द पॉइंट? सो फेडरल में क्या होता है कि बोथ, आइदर यू टॉक अबाउट द सेंटर और द स्टेट, बोथ आर इंडिपेंडेंट, दैट इज द नेचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अगर हम अपने देश के संदर्भ में बात करें तो इस पे डिस्कशन थोड़ा लंबा है। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्ण रूप से हमारा संविधान फेडरल है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई कॉसी फेडरल है। अब एक शब्द आपके सामने आ गया, कॉसी फेडरल। लो भाई, कॉसी फेडरल का क्या मतलब हो गया? कुछ विद्वान का मानना है कि भाई देखो, पूर्ण रूप से तो फेडरल एकदम प्योर नहीं बोल सकते हमारे देश के संविधान को, रादर यू मे से दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉसी फेडरल। हमारे यहाँ कॉसी फेडरल चलता है। कॉसी फेडरल का मतलब कि वैसे तो ठीक है, काम बटे हुए हैं, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी जो है वो सेंटर के पास है, कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी जो है वो सेंटर के पास है। इसका आपने बेस्ट उदाहरण अभी अभी देखा कि दिल्ली सरकार, आप पार्टी है दिल्ली सरकार में, और आप पार्टी जो है वो कहते रहेगी कि एंट्री नंबर 41 जो स्टेट लिस्ट में है उस पर हमारा इख्तियार है। और हमने देखा कि लेट कौन आया है? मैं आई सर, गुड इवनिंग। हाँ भाई, लेट मत आया करिएगा। अरे सर, वो पेट्रोल डलवाने लगी थी गाड़ी में, उसमें पता नहीं क्या हो गया था, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी।
बैटरी उसकी वो हो गई थी डाउन अच्छा अच्छा एकदम चलो अभी 4-5 क्लासेस प्लीज आप मिस मत करो स्टार्टिंग के, जी जी सर कि मैं भी यहाँ पेट्रोल ही डाल रहा था, अभी समझो पेट्रोल चला गया आपके हाथ से, अभी सिर्फ गाड़ी में आवाज करेगी बस, अभी आपको समझ ठीक है, रिकॉर्डिंग आप देख लेना, थोड़ा सा जी जी सर माहौल बनाने की कोशिश किया मैंने, तो स्टार्टिंग की चीजें आप मिस मत करते हैं। चलिए और फिर लेट आ रहे हैं भाई, और कौन है? चलो राहुल थिंकर, अच्छा चलो ये तो अभी नए हैं, ठीक है। तो समझे आप कौसी फेडरल का मतलब क्या हो गया? कौसी फेडरल का मतलब कई विद्वानों ने कहा भाई देखो इमरजेंसी का जब पावर आ जाता है तब तो फिर वहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रह जाता, तब कुछ इख्तियार कुछ क्या बहुत सारे इख्तियार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। तो अगर फेडरल है, भारतीय संविधान का नेचर फेडरल है, तो फिर ऐसे कैसे होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर चले गए? तो ये कहना कि पूर्ण रूप से हमारा संविधान फेडरल है थोड़ा गलत होगा, इस व्यू में से इट इज अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है हैविंग सम यूनिटरी फीचर्स, हैविंग सम यूनिटरी पावर्स, आप कह लो यूनिटरी फीचर्स देन फेडरल, फेडरल तो पूर्ण रूप से नहीं है, ये कहना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे जहां तक मैं समझता हूं कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम कुछ प्रोविजन को छोड़ दें, नॉट विद स्टैंडिंग मेनी प्रोविजन विच आर कंटेन इन इट वेयर बाय द सेंटर हैज बीन गिवन पावर्स टू ओवरराइड द प्रोविंसेस, मिला जुला के आप कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका कहना यह था, हिंदी में मैं बता देता हूं, कि हमारा संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ कुछ प्रोविजन को अगर हम छोड़ दें तो, जैसे कि इमरजेंसी का प्रोविजन है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया, वॉर हो गया है ना, नेशनल इमरजेंसी हो गया, इन सब सिचुएशंस में, उसके बाद अगर भारतीय संविधान के अमेंडमेंट संशोधन की बात हो तो कहीं कहीं संशोधन में हमने देखा कि सेंटर के पास ज्यादा पावर्स है ना। एक बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए कि अगर जो ऑर्डिनेंस दिल्ली सरकार ने पारित किया है, मेजॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे लोकसभा या राज्यसभा में पारित हो जाए तो आप सरकार क्या कर पाएगी, वो कानून बन जाएंगे। या आप दूसरे जबान में कह लो कि हर वो मैटर जिसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सब्जेक्ट इज द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, स्टिल द सेंटर विल हैव द पावर्स टू मेक लॉज ऑन दैट सब्जेक्ट। एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसपे जिसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट है, जैसा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डिनेंस में कहा कि भाई दिल्ली में जो चीजें हैं, दिल्ली जो है आम यूनियन टेरिटरी नहीं है, दिल्ली में कोई चीज इवेंट होता है, कोई चीजें होती हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, डिग्नेटरीज है, यहाँ पे आते जाते रहते हैं मुल्क के, दूसरे मुल्क से लोग आते जाते हैं यहाँ पे, तो आप इसको नॉर्मल यूटी मत समझो, यहाँ पे जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो पूरे भारत को इम्पैक्ट करता है, ये नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें। तो आप ये कहना कि आप सरकार या यूनियन टेरिटरी एनसीटीटी की पावर है ऑफिसर्स को ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट से संबंधित, तो ये गलत होगा, ठीक है। और चर्चा करेंगे ऑर्डिनेंस पे धीरे धीरे हम लोग बात आएंगे, अभी मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो फेडरल प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर वेयर एस थे, उन्होंने भी कहा कि भाई उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल प्रिंसिपल हम उसे कहते हैं कि पावर्स को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट के उससे संबंधित पावर्स दिए जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे पावर्स दिए जाते हैं जो कि रीजनली अफेक्ट करे, प्रभावित करे, उन सबसे जो संबंधित पावर्स होते हैं वो रीजनल गवर्नमेंट को दिया जाता है, उसके अलावा बाकी जो नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट रखता है, नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक्स है, मैटर्स है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है, दैट इज, और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट भी काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में भी काम करते हैं, जहां पे कोऑर्डिनेशन की बात आ जाए वहां पे कोऑर्डिनेट करके राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करते हैं, जहां पे लगता है कि कुछ लेना देना नहीं एक दूसरे से, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। एनआरसी जब सीए आया तो आपने देखा कि सेंट्रल लॉ है, फिर हमने वहां पे देखा कि केरला गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ राहुल सिंकर कुछ कहना चाहते हैं आप?
ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा कि मूवीज जब भी कोई आती है, जैसे केरला स्टोरी मूवी आ गई, तभी पता चला यार बंगाल गवर्नमेंट ने नहीं उस पर रोक लगा दिया, तो हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट थोड़ा भाई वास्ट है ना, तो आप मैं थोड़ा ज्यादा घुस के पढ़ाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल चीजों को भी लेके चलूंगा मैं, आर्टिकल पढ़ा पढ़ा के आगे नहीं बढ़ूंगा, तो थोड़ा सा ज्यादा क्लासेस हो जाएगा और टाइम लग जाएगा भारतीय संविधान खत्म होने में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप एक ही बार पढ़ो तो थोड़ा डिटेलिंग कर लो, मैं चाहूँ आर्टिकल पढ़ा पढ़ा के आगे निकल जाऊँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता, मन नहीं मानता। अब होता क्या है, जब मैं लेके बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो मैं उसको लिंक कर देता हूँ, तो थोड़ा सा खींच जाएंगी चीजें, तो आप इसको थोड़ा सबर कर लेना, है ना। वैसे भी आप ऐसे लॉ स्टूडेंट की तरफ मत पढ़ो, आप ऐसे जुडिशियरी एस्पिरेंट्स की तरफ पढ़ो, ठीक है। ओके सर, सही रहेगा। हाँ, तो अब मेरा ये कहना है कि जब भी कोई मूवी पारित की जाती है, पास की जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट भी सर्टिफिकेट, कौन सी वो अथॉरिटी है जो देती है भाई, जरा बताइए। सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल अथॉरिटी, सीबीसी ऐसे कुछ नाम है ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएगी, उसको कहा गया कि भैया देश में कोई मूवी भी बनेगी आप देखिए उसको सर्टिफाई करिए, एडल्ट मूवी है क्या है चीजें हैं आप सर्टिफिकेट दीजिए। अब मेरा आपसे सवाल है, अभी जवाब नहीं देना नहीं तो फंस जाओगे इसमें, तो हो नहीं पाएगा। मैं आपके सिर्फ दिमाग में बिठाना चाहता हूं कि अगर सेंट्रल लेवल पे कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी किसी मूवी को प्रमाणित करती है कि ये मूवी ठीक है, मतलब चलाई जा सकती है देश में, क्या कोई राज्य सरकार उस पे पाबंद या प्रतिबंध लगा सकता है या नहीं, इसको अभी अभी आप किनारे रखो, अभी आप अपने दिमाग में रखो, है ना, ठीक है, डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फेडरलिज्म के ऊपर। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जाहिर सी बात है बेस्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यहाँ से कई चीजें हमने लिया है, हमारे देश ने, हमारे लोगों ने, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो लोग थे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ चीजें लिया है, जिसको आप कह सकते हो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के सोर्स कौन कौन से कहां चीजें ली गई हैं, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर लेंगे, इस पे भी देखेंगे, आते रहते हैं इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खासियत होती है, या कह लीजिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एस्टेब्लिश किया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कॉन्सेप्ट लाया था ड्यूअल पॉलिसी का, या आप कह लीजिए कि ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका वाले लोगों ने ही लाया था, ठीक है। फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया था, उन्होंने कहा था दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास जो पावर्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अपने अपने ओन स्फेयर्स में दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो कुछ फेडरल का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अब हम आपको ये बताने और सिखाने जा रहे हैं कि फेडरल तो मतलब हमने समझ लिया कि फेडरल का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, हाउ विल यू कम टू नो कि ये संविधान जो है फेडरल है। तो सबसे पहली खासियत जो फीचर्स है, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होगा हमेशा। अगर किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, आप कैसे पहचानेंगे किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या नहीं है, यू हैव टू चेक इट आउट वेदर द पावर्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एट द सेंट्रल लेवल एंड एज वेल एज द स्टेट लेवल और नॉट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं है तो आप उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वन ऑफ द एसेंशियल फीचर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फेडरलिज्म का, है ना। तो आप यही चेक करेंगे फेडरलिज्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यही हुआ है, स्टेट है और नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनके बीच पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और सेंटर के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द फेडरलिज्म इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है उसमें जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो आप यही कहेंगे कि जो फेडरल स्टेट अपने अपने आप को जब जो भी कंट्री या जो भी देश बोल रहा है कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जा रहा होगा, है ना। वहां कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंडरी नहीं होगा, हमेशा सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा टॉप पे रखा जाएगा। तो हर वो पावर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशियल हो, चाहे वो नेशन से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर खास स्टेट से बिलोंग करता हो, वो हर वो चीज जो है
संविधान से कंट्रोल होगा, संविधान से चलेगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक खासियत होती है। राज्य सरकार के पास क्या क्या पावर्स है वो आपको कहां से मिलेगा? संविधान से मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है वो आपको कहां से मिलेगा? संविधान से मिलेगा। संविधान से ही अपने पावर की पहचान करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द कॉल्ड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बात है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जाहिर सी बात है रिटेन में होगा तभी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मानी जाएगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन में नहीं है तो सुप्रीम भी नहीं होगा। तो फेडरल स्टेट का फाउंडेशन शिला जो होता है वो जो न्यू होता है वो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कहीं ना कहीं लिखित में संविधान होगा। अगर देखो लिखित में संविधान में होगा तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है फेडरलिज्म मेंटेन कर पाना या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन कर पाना। सुप्रीमेसी रहेगी ही नहीं, कोई चीज लिखी नहीं है, है ना। आप लिखी नहीं है तो कोई कुछ और कह देगा कि नहीं ऐसे चीज ऐसे होगी तो फिर और रिजिड हो जाएंगी चीजें। कहीं चीज कोई रिपोर्ट तो है नहीं, लिखित में है नहीं, तो आप हमेशा मान के चलिएगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर होता है एसेंशियल फीचर तीसरा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिजिडिटी की हम बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं रिजिडिटी की तो आप ये मत सोचना कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है या उसको चेंज नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं किया जा सकता। जब हम रिजिडिटी की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि अमेंड तो हो सकता है लेकिन थोड़ा सा टफ उसको बना दिया गया, चैलेंजिंग बना दिया गया है, आसानी से नहीं होगा। यानी कि जब मन करे तब आप चेंज कर लो, या सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे जो प्रोविजन अपने इंडिपेंडेंट वे में अमेंड कर लेगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इंडिपेंडेंट वे में अपने ही पूरे शक्ति से कोई भी संविधान के कोई भी प्रोविजन को चेंज कर पाए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड नहीं बोलेंगे। रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कई कई ऐसे प्रोविजन, हम जब अमेंडमेंट पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, भारतीय संविधान में कई सारे ऐसे प्रोविजन है कि जहां पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट उसको चेंज कर सकती है इंडिपेंडेंट वे में। कई प्रोविजन ऐसे हैं आपको पढ़ाया जाएगा कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही इंडिपेंडेंट चेंज कर सकती है। कई ऐसे सारे प्रोविजन पढ़ाए जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रीएम्बल को चेंज करना, है ना, फंडामेंटल राइट को चेंज कर देना, अमेंड करना, ऐसे कई सारे प्रोविजन पढ़ाएंगे जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट साथ साथ राज्य सरकार की भी सहमति चाहिए होती है। राज्य सरकार जब तक उस पर पारित नहीं करेगा तब तक उसको आप चेंज नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें चेंज कर देती ना, प्रीएम्बल चेंज कर देती अब तक। तो इसको हम कहते हैं रिजिडिटी, कि ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो जाती, हो सकती चीजें, चेंज हो सकते हैं लेकिन उसके कंडीशंस हैं, तो विद कंडीशन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि संविधान एक पैरामाउंट डॉक्यूमेंट है और सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है, तो ऐसे थोड़ी जब मन करेगा आप उठा के चेंज कर दिया, कोई भी चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए इसको रिजिड बनाया गया, रिजिड इन द सेंस कि अमेंड करने से पहले कुछ प्रोविजन है जो फॉलो करने पड़ेंगे। कोर्ट की अथॉरिटी की बात करें, ऑब्वियसली बात है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा जुडिशियरी सिस्टम होता है। जुडिशियरी जो है लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेचर पार्ट होता है, जो कानून बनाने का पावर जिनके पास इख्तियार होता है, उस पे कोर्ट का थोड़ा सा व्यू होता है, या जुडिशियल रिव्यू कह लो, या जब इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग कोई इशू आ जाता है तो कोर्ट के पास मैटर जाता है, कोर्ट उसको इंटरप्रेट करके बताती है कि ये इस तरीके से लॉ का इंटेंट ये है, लॉ का मकसद ये था। सो दीज आर द फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा आप इसको ध्यान दे लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक अगला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा, हमने सीख तो लिया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान क्या होती है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ पॉइंट आपको दिखाया जाएगा कि जिसमें लगेगा कि जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि कॉसी जुडिशियल, कॉसी फेडरल है, तो कॉसी फेडरल में हमने आपको बताया कि यार ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट वे में सिर्फ प्योरली, हालांकि जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए जुडिशियरी के तो आप मैनिपुलेटिव आंसर दोगे, आप इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोला जाता ऐसे क्वेश्चन का जवाब। आपसे पूछेंगे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, तो आपने बोल दिया हाँ सर फेडरल है, इतना नहीं आपको बोलना है, आपको अपनी पूरी नॉलेज वहां पे दिखानी है कि सर ऐसे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तो कहा था कि फेडरल है, बट सर कुछ एक्सेप्शन है इसके, और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कॉसी फेडरल है, पूर्ण रूप से फेडरल नहीं है। इस तरीके से प्योर आप आंसर दो, आप एक निष्कर्ष पे मत पहुंचना। हाँ, जब आपसे पूछे आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, तब आप ये बोल सकते हैं कि सर बारिंग फ्यू एक्सेप्शन नॉट विथ स्टैंडिंग द सम प्रोविजन, यस वी मे से दैट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल, है ना सर, कुछ एक्सेप्शन है लेकिन उन एक्सेप्शन की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कॉसी फेडरल है, ये कहना
पूरी तरीके से सही नहीं होगा। हालांकि कुछ विद्वानों ने कहा है, लेकिन मेरा अपना व्यू है कि पूर्ण रूप से हम इसको कॉसी जुडिशियल कॉसी फेडरल भी नहीं कह सकते, या हम दूसरे शब्दों में सर ऐसे कह सकते हैं कि आधा जो है फेडरल है आधा जो है कॉसी फेडरल है, ऐसे बोल दो, मिक्स्ड आंसर मतलब देना है ना। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कई जगह ना सीधा सीधा नहीं बोला जाता, जैसे क्वेश्चन होता वैसे जवाब भी दिया जाता है, तो उनको लगे कि हाँ इस बच्चे को समझ है कि ठीक है, मतलब आप एक सेंटेंस में जवाब दे दोगे उनको लगे यार इसको मालूम नहीं है, इसको हीरा टूट के आया है सारे रहा है, बस है ना। तो ठीक है, अब जैसे हम यहां देखेंगे, चूंकि हमने आपको पढ़ाया, अब हम एग्जामिन करेंगे उन प्रोविजंस को, भारतीय संविधान के उन प्रोविजंस को जो हमने आर्गुमेंट किया कि कहीं ना कहीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और फेडरल के साथ साथ कई ऐसी जगह है जहां पे सेंटर को ज्यादा पावर है, इसीलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं नहीं ये सब फेडरल वेडरल नहीं है, कुछ फेडरल है कुछ कॉसी, कुछ कुछ का मानना है ना। तो उसके सपोर्ट में हम आपको चार पॉइंट दे रहे हैं कि कहां कहां पे ऐसा हो जाता है कि इसलिए ये सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है, कि प्योरली यूनिटरी नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, नाइदर प्योरली फेडरल है नॉर प्योरली यूनिटरी है, मिक्स्ड है, क्यों कहा जाता है। ये चार चीजें आपको अपने जहन में रखनी पड़ेंगी। पहला अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, देखिए जब गवर्नर का प्रोविजन आपको पढ़ाया जाएगा आर्टिकल 155 में या आर्टिकल 156 में, तो आप वहां कह सकते हो कि भैया देखो राज्य का गवर्नर है, तो आप अपने जहन से सोचो किसके द्वारा वो अपॉइंट होना चाहिए। अच्छा पहले बता दो गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, किसके द्वारा अपॉइंट होता है? सर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो भी प्लीजर पर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो भी, क्या बोला आपने सर? प्लीजर पर यानी प्रसाद पर्यंत विधायक करता है। हाँ प्लेजर पे, हमने देखा गवर्नर का टाइम नहीं होता, वो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जब चाहे उसको हटा दे। अब आप सोच के देखो कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम ये कह देते हैं कि भाई स्टेट का अपने पावर्स हैं, उसका अपना इख्तियार है, सेंटर का अपना इख्तियार अपने पावर्स हैं, उस ऐसे सिस्टम में क्या ऐसा होना चाहिए कि गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर अपॉइंट हो रहा है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नर भी स्टेट की जनता के द्वारा चुन के आए? मैं एक जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूं, है नहीं ऐसा संविधान में, मैं एक आपको उस लेवल तक ले जाना चाहता हूं। गवर्नर इज प्योरली कनेक्टेड टू द स्टेट, वॉट एवर द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नर, सारे के सारे डिसीजंस उन राज्य से संबंधित होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट कहां से आ गया? है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर को तो जनता नियुक्त कर रही है, जनता अपॉइंट कर रही है, मिला जुला के देखे तो, क्योंकि अगर किसी राज्य में मान लिया दो डुअल सिस्टम है, जैसे कि विधान परिषद विधानसभा है, तो विधानसभा का जब इलेक्शन होता है कौन कौन देता है वोट? हम आप देते हैं, जनता देती है, उसी चुन के जो है बनते हैं, फिर वो लोग जो है फिर विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव करते हैं, फिर दोनों मिलकर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ही चीफ मिनिस्टर को बना रहे हैं, जनता ही बनाती है। तो जब जनता चीफ मिनिस्टर को बना रही है तो जनता गवर्नर को क्यों नहीं बना सकती? मेरा सवाल ये है आपसे। तो इस प्रोविजन को पढ़ने से लगता है यार स्टेट ना सबॉर्डिनेट है सेंटर की। जिन विद्वानों ने कहा कि प्योरली, मतलब जिन्होंने कहा हाफ यूनिटरी है और हाफ फेडरल है, उन्होंने यही सब प्रोविजन को ध्यान में रख के दिमाग में रख के बोला था। अभी आपको समझ में आया? तो गवर्नर जो है स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट? नॉट चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। एक मिनट भाई, किसी ने ज्वाइन किया है? प्रमित आए हैं? चलो छोड़ो। ठीक है, समझ में आया आपको ये प्रोविजन क्यों पढ़ाया जाए?
व्हाट प्लेसेस द स्टेट्स इन ए सबॉर्डिनेट पोजीशन, राज्य को सबॉर्डिनेट पोजीशन में कौन कौन से ऐसे प्रावधान है संविधान के जो कहीं ना कहीं सेंटर के नीचे बना देते हैं, सेंटर का सेंटर के सबॉर्डिनेट बना देते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया गवर्नर जो होता है ये इसकी अपॉइंटिंग कैसे होती है, क्या होता है वो आगे आपको समझाया जाएगा। गवर्नर आप इतना मानो कि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और वो जो मिनिस्टर्स होते हैं ना स्टेट के उनके एडवाइस पे वो गवर्नर काम कर रहा होता है। ठीक, तो लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देख के हमें लगता है कि यार कहीं ना कहीं स्टेट सबॉर्डिनेट है। तो एक तो पहला ये आ गया, ये इशू हो गया। दूसरा, पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट, आर्टिकल 249 में वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, करंट एग्जांपल वो ऑर्डिनेंस वाला आप देख लो। ऑर्डिनेंस अब किन किन लोगों ने ऑर्डिनेंस पढ़ा है, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलेटिंग टू द पावर्स 239 दिल्ली यूटी को लेके जो ऑर्डिनेंस पारित हुआ, किन किन लोगों ने पढ़ लिया है? किसी ने नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो करो भाई। चलो खैर कोई बात नहीं, उन्होंने ऑर्डिनेंस में इतनी होशियारी से उन्होंने लिखा है ना कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, यूटी के जो ऑफिसर्स है उनको अपॉइंट करना, उनको ट्रांसफर करना, ये सब नेशनल इंटरेस्ट का मैटर। उनको पता था कि यार अगर नेशनल इंटरेस्ट कहेंगे तब हमारा पावर आएगा इस सब्जेक्ट पे, उनको सब पता है, प्रोएक्टिव अप्रोच लेके वो चले। उनको पता था हम केस हार जाएंगे और इस तरीके से बना होना के पहले रखा था, जैसे हार के वैसे ऑर्डिनेंस ले आए। तो हम आपको क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कैसे हम देख सकते हैं कि भाई सब स्टेट जो है कभी कभी लगता है यार सेंट्रल के नीचे ही है, नॉट इंडिपेंडेंट है। वो ऐसे कि जब 249 आप पढ़ेंगे तो वहां पे कहता है कि पार्लियामेंट को वो सारे कानून पे, सारे लॉस पे, कानून बनाने इंप्लीमेंट करने का पावर है उन सब्जेक्ट पे, अगर वो सब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट का है, भले ही वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आ रहा हो। संविधान तो बता दे कि तीन लिस्ट होंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने पावर है वो स्टेट की पावर है, यथा तो बोला तो जाता है। लेकिन अगर स्टेट लिस्ट में एक ऐसा मैटर है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व करता है, उस पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और वो लॉ जो है प्रिवेल कर जाएंगे उस लॉ पे जो स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखा है पहले से। तो टेक्निकलिटीज को आप समझिए, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक तो ये पॉइंट हो गया कि जो सबॉर्डिनेट बना देता है स्टेट को। तीसरा, पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 जब आप पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट के इख्तियार में है, पार्लियामेंट की पावर है कि किसी भी नए राज्य को बनाए, नए राज्य ऑलरेडी जो राज्य बने, स्टेट बने, उनके बाउंड्रीज को, जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज है उनको बढ़ा दे, स्टेट का नाम चेंज कर दे, है ना। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है, एरिया जो है स्टेट का बढ़ा सकती है, घटा सकती है, बाउंड्रीज अल्टर कर सकती है, स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। अब आप ये सोच के देखिए कि स्टेट खुद ही अपना नाम नहीं चेंज कर पा रही है, वो पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये भी कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धोखा लगता है, लगता है यार नहीं पूरी तरीके से तो नहीं। इमरजेंसी प्रोविजन, चौथा इमरजेंसी प्रोविजन में आपको पता है कि 352 आर्टिकल 352 है, 356 है, 360 है, 352 में वार वाला है, वार हो गए, वार में केस में है ना इमरजेंसी हो जाए। 356 में क्या है सर? स्टेट इमरजेंसी। हाँ जी, स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। ये नेशनल इमरजेंसी और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। तो इन केसेस में हमने देखा कि जो पावर्स होते हैं राज्य सरकार के, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं अकॉर्डिंगली। तो इस सूरत में वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, पूरी की पूरी पावर्स जो है। हाँ राहुल, कोई इश्यू हो गया आपको नेट से रिलेटेड, क्या है? नो सर। ठीक है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी के प्रोविजन में आप कह सकते हैं कि जब इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है 352 के तहत, तो नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन के पावर्स होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच जो है, उसमें चेंजिंग आ जाती है। मोस्टली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, पार्लियामेंट के पास इंपावरमेंट होता है कि वो लॉ बना सके सब कुछ। तो यहाँ कहाँ गया फेडरल स्ट्रक्चर? यहाँ तो
स्टेट नीचे आ गई सेंटर के, सबॉर्डिनेशन में आ गई, सबॉर्डिनेट पोजीशन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा, अब इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछे तो आप कंक्लूड कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब इंटरव्यू में कोई पूछ ले आपसे ये सब कहानी वानी बता के, जितना शॉर्ट हो सके आप शॉर्ट में बता के आप लास्ट में बोल सकते हैं, सर इट मे बी कंक्लूडेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नादर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी बट इज द ब्लेंड ऑफ बोथ या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको एक जवाब सटीक नहीं देना है, मिक्स्ड आंसर इसको हम बोलते हैं, या मैनिपुलेटिंग आंसर बोलते हैं, या वो बोलते हैं इसको न्यूट्रल आंसर, है ना, एक तरफा आंसर नहीं। तो हमने केरला वाले की बात कही, तो इसको थोड़ा कल आप लोग स्टडी करके आइएगा, थोड़ा होमवर्क है सर, सिंगल सिटीजनशिप भी यूनिटरी को शो करता है। हाँ लोग आते हैं उस पर, आते हैं ये क्वेश्चन, थोड़ा अपने दिमाग में आप सोचिएगा कि केरला जब एनआरसी और एससीए लाया गया तो बायकॉट किया था, तो क्या कोई स्टेट पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून अगर पारित किया गया है तो क्या कोई राज्य उसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर सकती है? कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, आज आप सोच लो अच्छे से घर के लिए काम। ये बिहार जुडिशरी में आया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है अभी अब टाइम वेस्ट होगा, मैं कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, उसको आप एक जो इस पे मैंने क्वेश्चन दिए हैं, एक तो अपील पे दिए हैं 5 क्वेश्चंस आपको, वो कल तक सबमिट कर देना, ये जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो संडे तक आप सबमिट कर देना, फिर इसको मंडे में हम लोग देख लेंगे। कम टू द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से हमने फेडरलिज्म का मतलब समझा पहले कि फेडरल किसे कहते हैं, अब हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, और हमारे संविधान की फीचर खासियत क्या है। हम यहाँ पे भारतीय संविधान को स्टिक करके पढ़ेंगे जो भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको अगर पता हो कि वन ऑफ द मोस्ट सैलिएंट फीचर, सबसे बड़ी जो विशेषता, सबसे पहली जो विशेषता हमारे संविधान की कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा संविधान किसी भी देश का अब तक का नहीं है, अभी कंपैरिजन भी कर लेंगे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे सिर्फ 7 आर्टिकल है उसमें, या पता नहीं उसने उन्होंने कैसे बनाया, ये भी एक अपने आप में काबिले तारीफ है कि किसी देश का जो संविधान उसमें 7 ही आर्टिकल है, उसमें क्या क्या लिखा होगा उन्होंने सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होंगी, केवल इम्पोर्टेंट पता नहीं, जो भी है हमने पढ़ा नहीं। अच्छा उसका क्या है, क्यों छोटे में हो गया, कोई मुझे एक जवाब दे पाएगा कि सर क्यों इतने इतने कम आर्टिकल में कैसे उनका संविधान बन गया, कुछ आइडिया अगर आप सोचोगे तो आएगा दिमाग में आपके। सर ज्यादा टॉपिक उनके उनका सर सेंट्रलाइज्ड है ना सर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ज्यादा टॉपिक तो सर सीधी बात है कि वही बनाते होंगे रूल। हाँ आपने जवाब सही दिया, प्रेसिडेंशियल रूल है एक्चुअली में, वहां प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया था, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, वो 4 साल या 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, वहां की जनता, प्रेसिडेंशियल रूल है ना वहां पे डुअल सिस्टम इस टाइप का चीजें है, तो लेकिन कंट्रोल ज्यादा प्रेसिडेंट के पास है सर। अपने यहाँ 100 आर्टिकल कम से कम पार्लियामेंट के लिए, 100 ही आर्टिकल कम से कम अपने यहाँ, ऐसा नहीं। हाँ सही कह रहे हो, अपने हाई कोर्ट में भी 50 आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट में भी 50-100 आर्टिकल, स्टेट लेजिस्लेचर पे कम से कम 250 आर्टिकल सर इसी में चला गया, इसी में चला गया, तो इसलिए है रीजन, लेकिन फिर भी 7 तब भी आर्टिकल बहुत कम, पता नहीं क्या इन्होंने कैसे। चलो खैर, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें 128 आर्टिकल्स, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो 147 आर्टिकल्स, कनाडियन इशू दो बार है ना, ये सब कुछ देश के एग्जाम्पल हैं। हमारे संविधान की अगर हम बात करें, देखिए ओरिजिनली क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं, एक तो पूछेगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे, तो आप ये 395 ही बताओगे, 12 पार्ट्स बताओगे और 8 शेड्यूल बताओगे। लेकिन आज जो हमने कल आपको बोला था कि आज हमें बताना आपकी आर्टिकल कितने, कौन बताएगा, आर्टिकल बता दो, पार्ट बता दो और शेड्यूल बता दो, आर्टिकल बताइए, मान लिया अपडेटेड आ गया आपसे पूछ लिया गया, कितना बताओगे आप,
देखो कहीं कहीं 465 भी है, तो 465 आप बोल सकते हो इसको। और पार्ट्स जो बढ़ के 22 हो गए हैं और शेड्यूल जो बढ़ के 12 हो गए हैं, तो ये आप देख लेना इसमें। और करेक्ट आप जो भी है इसमें कल और देख के आप मुझे बता देना। तो चले भाई, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक जान लिया कि लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन है, और जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन जो लोग थे, हमारे जो लोग थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, अलग अलग देश से जाके अलग अलग इंस्पायर होके अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके वो आए, ताकि कहीं लूफोल्स ना रह जाए हमारे संविधान में, क्योंकि हमारा देश हमारा मुल्क जो है संविधान से ही चलेगा। तो उन्होंने इस पर वर्क किया, वर्क ऐसे किया, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, लेकिन फिर भी आप बस इतना यहाँ पे ध्यान रखने, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, उन्होंने जो सोर्सेस थे भारतीय संविधान के, कुछ कुछ टॉपिक जैसे फेडरल स्कीम हो गया, गवर्नर का ऑफिस होगा भाई हर राज्य में, ये कॉन्सेप्ट वो कहाँ से लेके आए, उसके बाद फेडरल जुडिशरी का पावर, इमरजेंसी प्रोविजन होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा, डीपीएसपी होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। हालांकि जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन आया तो नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का कॉन्सेप्ट, बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आया है ना, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग देश से, अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने लिया। अब क्वेश्चन आपके प्री में आ जाता है, वो पूछ लेंगे फंडामेंटल राइट जो कहां से लिया गया, या फेडरल स्कीम जो है कहां से लिया गया, है ना। तो बहुत सारे सोर्स है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कल हमने आपको पढ़ाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां से बहुत सारी चीजें ली गई इस एक्ट से, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट जो है कि भाई इस तरीके से एक कमीशन होगी जहां से जो स्टाफ सिलेक्शन में मदद करेगी, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी इस तरीके से, है ना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से लेगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी कई सारी चीजें ली गई, जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, है ना, सिंगल सिटीजनशिप, प्रोरोगेटिव राइट्स जो हो गए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ बताना मुमकिन नहीं, बहुत सारी चीजें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स लिए गए, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट टेक होगा हमारे देश में, ये कॉन्सेप्ट यूएस ब्रिटिश यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया, प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग ने मेहनत बहुत किया हमारे लोगों ने, तो काबिले तारीफ है, इसलिए इसको लेंथियस्ट बन गया, है ना, क्योंकि उनको पता था कि हमारे देश में भिन्न भिन्न लोग के रहते होंगे। एक तो बड़ा था हमारा देश उस समय, बहुत बड़ा था, तो ज्यादा जनता, ज्यादा लोग, ज्यादा वेरिएशन, तो मोर कॉम्प्लिकेटेड लॉ, ये नियम है हर कहीं का, इसलिए संविधान बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया, लेंथियस्ट बन गया। तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि इसकी सबसे ज्यादा आलोचना की और कहा कि सबसे बड़ा संविधान ये भ्रमता को जन्म देता है, इसलिए वकीलों का स्वर्ग है। अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चीजें क्लियर भी तो होनी चाहिए ना। अगर देखो सर, ये हम नहीं करें, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा भ्रम है। जिसने भी कहा है वकीलों का स्वर्ग आप इसलिए हुआ है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, ना कि भारतीय संविधान में। जब इम्प्लीमेंटेशन में ड्रॉबैक आ जाता है तो लीगल इश्यूज बढ़ते हैं, वाद दायर होते हैं, तो वहां पे चीजें कॉम्प्लिकेशंस आम जनता के लिए हो जाता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है तो फिर दिक्कत नहीं होगी आम जनता को। इम्प्लीमेंटेशन इन द सेंस की अब किसी का जमीन किसी ने कब्जा कर लिया, अब आप मानेंगे नहीं, इतने बेवकूफ पुलिस ऑफिसर्स हैं। जैसे मान लिया ये बंदा है, ठीक है, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मान लिया मिस्टर ए यहां पे है बेचारा, अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, मिस्टर बी मान लिया बाहुबली टाइप है या गुंडा टाइप है, ये इसको छेड़ आए कि भैया ये जमीन खाली करो, घुस जाता है कभी बिना पूछे पूछे, परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, ये बेचारा पुलिस स्टेशन गया। अब इसको पता नहीं कि सिविल केस है, कहाँ जाना चाहिए, गरीब आदमी है, पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वाले से पहले एक कॉन्टेक्ट कर रखा है, वो आएगा तो ऐसे ऐसे डांट उठ के भगा देना, हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे, 50,000 रुपए। तो अब ये बंदा यहाँ आया तो पुलिस वाले इतने निकम्मे हैं, इससे प्रूफ मांगेंगे,
अच्छा कागजात है आपके पास, लाओ दिखाओ कागजात, अभी बताता हूँ मिस्टर बी को, ऐसे झूठ मूठ में। अब आप ये बताइए कि वो तो बंदा ऑलरेडी पोजीशन में ना, उससे आप क्यों डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं? जो क्लेम कर रहा है उससे मांगोगे ना, अगर कोई और व्यक्ति आके क्लेम कर, ऐसे मैं डॉक्यूमेंट दिखाता फिर, मतलब कल को कोई भी मेरे दरवाजे पर आ जाए कहते तुम्हारी जमीन है तो मैं इसको डॉक्यूमेंट दिखाऊं, भैया वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा ना कि वो कैसे क्लेम कर रहा है तुम्हारा, तुम क्लेम कर रहे हो, तुम बताओ कैसे तुम्हारी जमीन है, तुम प्रूव करो, वो साबित करेगा ना, जो क्लेम करता वही तो साबित करेगा। तो बड़ी दिक्कत है ग्राउंड लेवल पे, वो आम आदमी परेशान रहता है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सही है नहीं, पुलिस वाले गाइड नहीं करते सही से। अब आप इसमें बताइए संविधान की कहां से गलती है या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की क्या गलती है, वो तो बना दिया लेजिस्लेशन ने सर। लेकिन मुझे एक चीज और भी लगता है, कभी कभी सर लॉ का इंटरप्रिटेशन भी कई लोगों के हाथ में है ना, तो सुप्रीम कोर्ट बार बार चेंज करती रहती, इससे भी सर प्रॉब्लम आती है सर, इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग कर देते हैं ना। ठीक है लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा थोड़ी है कि तुरंत इंटरप्रिटेशन, आज आपने सूट दायर किया कल इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। जहां भी चेंज होता है इंटरप्रिटेशन वो सही होता है। आप केस लड़िए अपना, आपको लगता है कहीं लॉफुल लॉ में लूप होल है, आप अप्रोच करिए कोर्ट को, आप बताइए कि ये लेजिस्लेचर का इंटेंशन गलत है या ये यहाँ पे इंटेंशन ये था, मेरे से ये समझ के करवा लिया गया कोई काम, इसलिए मेरा इंफ्रिंज हो गया राइट्स का, आप लड़िए आगे बढ़िए, वो अलग एक सब्जेक्ट है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे सही से चीजें होना ये तो इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए, वो चीजें वर्स्ट हो जाती है। चलिए आगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड फीचर पढ़ते हैं संविधान का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑलरेडी बता दिया गया ये ब्रिटिश मॉडल है, आपको पता होगा कि ब्रिटिश जो कल की जो हम बात कर रहे थे, ब्रिटिशर से ही उद्गम निकल के आया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि भाई एक केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगा, है ना। तो भारतीय संविधान में ब्रिटिशर्स जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाए थे, तो हमारे संविधान में इसको कंटिन्यू रखा गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है। अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं, सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसे कहते हैं भाई, मंत्रालय दे दिया गया ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपका, दीज आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपका, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स आपका, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आपका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कोल आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आपका, वेरियस मिनिस्ट्रीज आर देयर। तो हर मिनिस्टर, हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको हम बोल देते हैं। अब ये दीज आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा हेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। तो सरकार हम किसे कहते हैं, जब हम कहते हैं यार इनकी सरकार, तो सरकार से मतलब क्या, सरकार से मतलब ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही राज्य लेवल पे हम बात करें कि एग्जीक्यूटिव जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां पे बने हुए, वहां पे मंत्री हैं राज्य लेवल पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया वहां पे। अब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी बहस हुआ कई बार कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होना चाहिए अमेरिका की तरह या पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, डिबेट चलते रहते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है तो एग्जीक्यूटिव जो पावर होता है उसके पास सारे पावर्स होते हैं, है ना, चार साल या पांच साल के लिए अपॉइंट हो जाता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चीफ एग्जीक्यूटिव फ्री होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं होता। ये सब बात की गई, आगे देखते हैं। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया लेकिन दोबारा मैं बता देता हूं कि जो हमारा संविधान है वो एक बहुत बढ़िया फीचर हमारे संविधान का ये है कि इसमें यूनिक ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने कि अगर भारतीय संविधान को अमेंड करना है तो उससे संबंधित जो प्रोविजन बनाए गए हैं कैसे बनाए गए, वो प्रोविजन की जो खासियत है वो रिजिड भी है, वो फ्लेक्सिबल भी है। कई ऐसे प्रोविजन बनाए गए जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आसानी से हो जाते हैं, कई ऐसे प्रावधान बनाए गए, कई ऐसे सिस्टम बनाए गए, कई ऐसे आर्टिकल हैं जिसको चेंज करने के लिए बहुत ही रिजिड है, वो रिजिड इन द सेंस कि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति चाहिए होती है उस टॉपिक को चेंज करने के लिए। ठीक है, प्रीएम्बल है ये रिजिड है, स्टेट लेवल पर कोई मैटर है स्टेट अपना कर सकती है। तो कुछ प्रोविजन भारतीय संविधान के हैं कि वहां पे राज्य सरकार के आधा जो है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट चाहिए होता है, कुछ प्रोविजन है जो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं वहां पे, वही है कि सेंटर के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट उस पर अपना कंसेंट देते हैं तभी चेंज कर सकते हैं। कुछ प्रोविजन जो है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से चेंज होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट का स्पेशल मेजोरिटी मतलब मोर देन 75% होगा तभी वो चेंज कर पाएंगे।
और आपको पता है कि अब तक भारतीय संविधान कितनी बार अमेंड किया जा चुका है, एनी वन ऑफ यू कितनी बार अमेंड किया जा चुका है? सर 104। 104th कौन सा अमेंड था, अमेंडमेंट था? सर इसमें 104 में दो चीजें अमेंड की गई, एक जो एससी और एसटी का रिप्रेजेंटेशन 70 साल था वो समाप्त हो रहा था, उसको बढ़ा करके 80 साल कर दिया गया, और सर जो एंग्लो इंडियन वाले थे उनका सर सिस्टम ही खत्म कर दिया गया, ये बात आर्टिकल 334 में है। ठीक है, और वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला कौन से अमेंडमेंट से उन्होंने किया था? सर 103 से। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो संशोधन किए गए वो स्पेशल मेजोरिटी से किए गए या राज्य सरकार स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसेंट था, कैसे था, कौन सा, मतलब वो फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट था या रिजिडिटी वाला था प्रोविजन? सर ईडब्ल्यूएस वाला तो स्पेशल मेजोरिटी से किया गया था। ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, मैं आपको एक दिशा दिखा रहा हूं अभी कि हम पढ़ेंगे कैसे पूरे भारतीय संविधान को, और जब हम अमेंडमेंट आपको पढ़ाएंगे, जब अमेंडमेंट चैप्टर पर बहुत बात की बात है, जब अमेंडमेंट चैप्टर पढ़ेंगे वहां हम आपको बताएंगे कि ये अमेंडमेंट हुआ है और ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं, और वहां पे फिर आपको बताया जाएगा 44th अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट जहां पे प्रीएम्बल भी चेंज किया गया, तो वहां पे डिस्कशन चलेगा डिटेल में कि ये जब प्रीएम्बल चेंज करना होता है तो किस तरीके से चेंज होता है, बाकी डिस्कस करेंगे, पहले आप समझ जाओ ये पूरी। चलिए नेक्स्ट जो फीचर है भारतीय संविधान का, फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियसली बात है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, फंडामेंटल ना फॉर्मल डिक्लेरेशन किया गया है पार्ट 3 में कि भाई फंडामेंटल राइट्स होगा, सिटीजन का अधिकार होगा, है ना, और ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए बेहतर है, बढ़िया है, और कहीं ना कहीं ये स्टेट के खिलाफ जाके आप चीजों को, अगर स्टेट आपके खिलाफ कोई कानून बनाएगी, ऐसा कानून बनाएगी कि कहीं ना कहीं बीइंग ए सिटीजन आप उससे हर्ट हो रहे हो, आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो स्टेट कभी भी ऐसा या सेंट्रल कभी भी ऐसा कानून नहीं पारित कर सकेगी, नहीं बना सकेगी। नॉट ओनली दे हैव इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो आपको उन्होंने एक मशीनरी भी दिया, यानी कि हमारा संविधान एक मशीनरी भी दे रहा है, एक हथियार भी दे रहा है कि जब कभी भी स्टेट अगर ऐसा कानून बना दे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे, आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करे, तो आपके पास रिट्स वाले हथियार हैं, हैबियस कॉर्पस का हथियार है, आपके पास मैंडमस का अधिकार है, मैंडम प्रोहिबिशन है, रिट ऑफ को वारंटो है, रिट ऑफ सर्टियोरारी है, दीज आर द टूल्स थ्रू विच यू मे गेट योर फंडामेंटल राइट्स बैक, कोई भी स्टेट के अगेंस्ट में आप दायर कर सकते हैं रिट पिटीशन कोर्ट में जाके। ठीक है, तो ना सिर्फ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो रिट भी, कहीं ना कहीं जब आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाता है तो आप रिट का सहारा लेते हो, है ना, तो फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं एक आप ये कह लो कि राजा के तौर पर स्टेट बिहेव नहीं कर सकती कि जो हमारा मन करेगा वो करेंगे, अगर बीइंग ए सिटीजन आपके अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो वो कानून वो लॉ स्टेट नहीं बना सकती। स्टेट जब हम मैं यहाँ बात करूँ, स्टेट का मतलब सेंट्रल स्टेट बोथ दोनों की बात करूँ, आपको स्टेट की परिभाषा भी बताई जाएगी, स्टेट का मतलब मैं यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी राज्य सरकार, मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ, स्टेट की अपनी एक अलग परिभाषा दी गई है इसी संविधान में आपको बताया जाएगा। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए फंडामेंटल राइट्स का तो हमने देखा कि ये जुडिशियबल है, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स कोई स्टेट जो है आपका तोड़ रही है, ब्रीच करे, तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाके आप इन्फोर्स करा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स को। डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में इसी का अगला पार्ट है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4 में डीपीएसपी है, इसी का अगला ही चैप्टर है। तो ये कहीं ना कहीं देश की गवर्नेंस में, देश को देश की गवर्नेंस में क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं बताता है डीपीएसपी, है ना, समझेंगे फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में क्या फर्क है, डीपीएसपी का अलग चैप्टर है उसको हम समझेंगे। तो एक तरीके से अभी आपको फीचर्स बताया जा रहा है, बस आप इतना समझ लो। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये भी एक फीचर है भारतीय संविधान का। इसमें क्या है कि मोस्ट रिमार्केबल फीचर भारतीय संविधान का क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और कहीं ना कहीं यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का है ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो वही सेम बातें जब हम इसमें ये कहते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि कहीं ना कहीं आप नकारात्मक वे में नहीं देखोगे, जब हम आपने आपको कहा हमने कि संविधान यूनिटरी भी हो सकता है फेडरल भी हो सकता है, तो जब हमने ये बात आपसे कही कि हमारा जो संविधान है वो पार्टली यूनिटरी है पार्टली फेडरल है, तो आप इसको नकारात्मक ना देखिए बल्कि इन पॉजिटिव सेंस में देखिए कि हाँ भाई ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं हमारे देश में जहां पे सेंट्रल के पास पावर होना बेटर होगा देश की जनता के लिए, तो इमरजेंसी के प्रोविजन में सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी रखा गया कि सेंट्रलाइज्ड पावर हो जाएगा, और सारी कई ऐसी सिचुएशन है कि वाइटल चेंज हो जाता है
यूनिटरी और जो स्टेट और सेंटर के बीच के जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट ना होके बल्कि सेंट्रलाइज चले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ये फीचर ही भारतीय संविधान का, इसको निगेटिव वे में नहीं देखना आपको। एडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, एडल्ट सफरेज क्या होता है, एडल्ट सफरेज में ये होता है कि अगर 18 साल की उम्र से ज्यादा हो गए हैं आप, तो यू आर हैविंग द पावर टू कास्ट योर वोट एंड यू आर हैविंग द पावर टू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा प्रावधान बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखा है कि वोटर का क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, वो 12th पास है तभी वोट दे सकता है, वो गोरा है तभी वोट दे सकता है, वो काला है तभी वोट दे सकता है, वो अमीर है तभी वोट दे सकता है, उसके पास चार कार है तभी वो वोट, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ सिर्फ एडल्ट सफरेज चलता है, यानी कि वंस यू हैव क्रॉस्ड 18 इयर्स ऑफ एज, यस यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव आप कर सकते हैं। आप अमीर हैं, गरीब हैं, गोरा काला हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या बिजनेस करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। दैट इज कॉल्ड द एडल्ट सफरेज, आर्टिकल 326 में इसको आपको और डिटेल में समझाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फीचर ही है, भी आपको अधिकार दिया जा रहा है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, है ना, अगर आप 18 साल से ज्यादा की उम्र हो गए। दूसरी बात है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नो डाउट ये भी एक फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और फंडामेंटल राइट्स बना तो दिया गया, क्या सिर्फ फंडामेंटल राइट्स बना के रख दिया जाता और कोई एक बॉडी, स्वतंत्र बॉडी ना होती अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि बेकार ही होता फिर। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का गठन करता है हमारा संविधान, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट जुडिशरी का यही काम होता है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और सिटीजन को इंश्योर करना कि आपके फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, रेमेडी प्रदान करना उनको, और वो भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जब हम कहते हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं रहता। जुडिशरी हमारे देश में भारतीय संविधान ने एक ऐसा प्रावधान बनाया कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता रहेगी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी वन ऑफ द बेस्ट फीचर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, सेकुलर स्टेट, ठीक है, ऐसा कहा गया कि भाई स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, है ना, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा और ये सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी, इक्वली ट्रीट करेगी, तो सेकुलर स्टेट है, ऑब्वियसली बात है, इसका कोई धर्म नहीं है। जब आपको प्रीएम्बल, अगला जो क्लास, कल की क्लास चलेगी, प्रीएम्बल के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, वहां पे और डिटेल में मैं चर्चा करूंगा सेकुलर स्टेट यानी कि सेकुलरिज्म किसे कहते हैं। जैसा कि प्रीएम्बल खुद डिक्लेयर करता है, we the people of India to secure to all its citizens liberty of belief, है ना, faith and worship, इस तरीके से। तो आर्टिकल 25 से लेकर जब 28 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल राइट्स, सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, that is, इसीलिए इसको कहा जाता है सेक्युलर स्टेट, ठीक। सिंगल सिटीजनशिप की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल है और डुअल पॉलिटी प्रोवाइड करता है सेंट्रल स्टेट लेवल पे, लेकिन जहां तक सिटीजनशिप की बात करें तो ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग सिटीजनशिप आपको लेना पड़ेगा, सेंटर के लिए अलग लेना पड़ेगा, ये हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलता है, ठीक है। एक ही बार आपको सिटीजनशिप के, आप सिटीजन हो गए देश के तो आप पूरे देश के सिटीजन हैं, आप उत्तर प्रदेश के सिटीजनशिप सिर्फ नहीं है आपके पास, आपके पास सिर्फ बिहार का सिटीजनशिप नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास पूरे देश का सिटीजनशिप है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देख लें, फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में आया था, 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, ओरिजिनली तो ये भारतीय संविधान में नहीं था, लेकिन जब देखा गया कि ठीक है भाई सिटीजन को हम फंडामेंटल राइट्स तो दे रहे हैं, लेकिन बीइंग ए सिटीजन तो आपकी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए देश के प्रति। हालांकि इसको, मतलब क्या कह रहे हैं, जुडिशियबल नहीं बनाया गया, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानोगे तो केस चल जाएगा आप पे, ठीक है, आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, और ऑब्जर्वेंस में इसको रखा गया, समझो कि यहाँ ठीक है डेमोक्रेटिक कंडक्ट, आप डेमोक्रेटिक बिहेवियर में पेश आइए और आप बीइंग सिटीजन आपका भी कुछ दायित्व बनता हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज में हम समझेंगे बहुत सारे दायित्व, कौन कौन से दायित्व, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज, वो बोल देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ऐसा पॉइंट आपको देंगे कि वो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज से मिलता जुलता होगा। जैसे कुछ चीजें आप डीपीएसपी में भी देखोगे सेम वही फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, तो ऐसा पॉइंट आपको देंगे कि आप फंसोगे उसमें, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है या डीपीएसपी है, तो आपको बताया जाएगा कैसे पढ़ना है उसको, कैसे क्या करना है, बाद में देखेंगे। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली बात है कि ये कोर्ट की पावर है, कोर्ट जो भी लेजिस्लेचर कानून बनाएगा अगर वो असंवैधानिक है या नहीं है, जब उस पर कोर्ट रिव्यू करता है, पुनर्विचार करता है या विचार करता है, तो ऐसे प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं।
ठीक है, और अगर है अनकॉन्स्टिट्यूशन तो उसको वाइड करार देने का अधिकार रखता है कोर्ट, इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अलग इसका एक चैप्टर है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये, तो जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं उसको भी हम देखेंगे। हालांकि यहाँ बस आप इतना जानिए कि हाँ एक फीचर है भारतीय संविधान का, फंडामेंटल फीचर हमारे भारतीय संविधान का जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है जी। केशव नंदा भारती का केस भी बताया जाएगा जुडिशियल रिव्यू से संबंधित, उसमें ये कहा गया था कि जो बेसिक फीचर है भारतीय संविधान का वो जुडिशियल रिव्यू है, और ये 368 में जो पावर है पार्लियामेंट को, उसको उसके द्वारा जो है जुडिशियल रिव्यू को कभी भी अमेंड नहीं किया जाना चाहिए, ये जा सकता, आप ऐसे बोल सकते। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने समझ लिया। कल की क्लास जो आपकी चलेगी प्रीएम्बल पे पूरी तरीके से डिपेंड होगी, प्रीएम्बल से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते।